आप रहे हमारे साथ, बहुत मजा आया, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आके रहे इधर। थैंक यू। तो मम्मी पार्ट टू लग रहे हो आप। ये आप सब लोगों ने मिलके किया। यो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज लास्ट डे ही है गोवा में, तो चलो भैया अभी नाश्ता कर लेते हैं। कौन आएगा पहले? ये आएगा। दोनों दबा दिए, देखते हैं पहले कौन आता। तो अभी टाइम हो गया है 10:23 और ये वाला पहले आ गया। तुम रहो भाई भाई। तो अब चलते हैं नाश्ता करने। जी लो, तो बने रहिए ब्लॉग में। यो फ्रेंड्स, तो खाने में तो लगभग फिर से सब सेम ही है, बस आज पोटैटो वेजेस एक्स्ट्रा है। यहाँ पे चिकन सॉसेज रखा हुआ है, बॉयल्ड एग इधर रखे हुए हैं, बाकी सब सेम ही है। तो फट से अपना जो कल चाय पिए थे, तो आज कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर से ये मेन्यू रहा, कैपेचिनो की क्रैक हो जाएगा। ये कि अपना बना रहा है, तो तक इधर आलू के पराठे हैं और इधर उपमा, आलू के पराठे, उपमा, कल तो इडली था, आज ही टोमेटो इडली है, कल कोई और फ्लेवर नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। चलो कोई नहीं, इधर आज एक्स्ट्रा में जूस वगैरह भी है सब, कल से ज़्यादा आज अच्छा नहीं। इधर बटर वगैरह भी है, तो ठीक है ले लेते हैं। उधर ब्रेड मिला है खाने के लिए टोस्ट में, तो अब इंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। तो क्या पसीने इंजॉय करते हैं, इधर फ्रूट्स वगैरह ख़त्म करके देखते हैं इसका क्या खाएंगे। बोला था ना पैसा वसूल करना, तो पिछले वाले ब्लॉग्स भी बहुत सारे गोवा के ब्लॉग्स बन चुके हैं दोस्तों, 5-6। तो आप मुझे पहली बार दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो एक सीरीज टाइप का बन रहा है, तो लगातार देखिए तो मज़ा आएगा आपको भी। तो सारे दोस्त की नाश्ता रहता है, लेकिन अभी टाइम हो गया है 10:47, तो टोमेटो इडली फिनिश, तो प्लेन इडली से काम चला रहा है, ज़्यादा नहीं बस एक ही लेंगे। आज एप्पल तो नहीं है, तो इधर ऑरेंजेस वगैरह ही लेते हैं। एक और कॉफ़ी हो जाए, तो लैटिन मींस कॉफी। तो इधर है दूसरा प्लेट, योर फ्रेंड्स। तो ये भी फिनिश, तो वन कैपेचिनो एंड वन कॉफ़ी, मैक्स द गोवा मॉर्निंग स्पेशल। तो इधर झूला झूल लेते थोड़ा सा, आना पचाना सही है ना। तो यो बैठे या ए, तो मुझे बोलना था कि शाम में 7 फ्लाइट है, तो यहाँ से 5 मतलब पहुँचा रहेगा, तो मुझे 2 निकलना पड़ेगा यहाँ से। अभी बच चुके और अभी बज चुके हैं 11, तो 11 बज चुके हैं और 2 मुझे यहाँ से निकलना है। तो यार 2-3 घंटे में मैं कहाँ ही घूम पाऊँगा, तो देखता हूँ अगर आसपास में कोई जगह हो तो, ऐसे कोई मुझे लग नहीं रहा आसपास में कोई जगह है, तो फिर यार ट्राई, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो आप रात में देखे होंगे ये ब्लॉग बार, तो कल रात पिछले वाले ब्लॉग में, दिन में भी देख लीजिए आप लोग, मस्त है। तो यहाँ पे बैठते थोड़ी देर, रूम में क्या ही जाए, यो तो यहाँ बैठते यार यो। तो गोवा की एक बात बताने वाले थे आपको कि यहाँ पे यार स्ट्रीट फूड वगैरह मतलब हम वेज लोगों के लिए तो नहीं है, तो यहाँ पे सी फूड को ज़्यादा मतलब ये मिलता है,
सी फूड में बहुत सारे क्रैब्स वगैरह पता नहीं क्या क्या था, मैंने पूछा था मार्केट में, यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीट फूड है नहीं, मतलब तो मैंने जनरली होटल्स है, होटल्स में जाकर तो नॉनवेज वाले में ज़्यादा है, तो यही सब है। चलो अपना तो होटल में ही काम चल रहा है, फुल पैसा वसूली चल रहा है, अब तो जाकर दिल्ली में ही खाना खाएंगे डायरेक्ट, कितना 11 बज चुका है, पेट भर गया, बीच में कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे तो करेंगे, ऑरेंज ले लिए, कल एप्पल भी पड़ा हुआ रूम में ही मेरा, तो वो फिर खा के निकलेंगे, देख सकते पीछे का सीन है, यहाँ बैठ भी सकते हो आधा एक घंटा मस्त। तो नहा ली यार मस्त, तो दिल्ली जाने से पहले मुझे पता है वहां पे तो कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो आराम से दो तीन दिन बाद वहां नहाएंगे, तो यहाँ तो यार दिल्ली नहा रहे हैं तो मजा आ रहा है। तो बनरे ब्लॉग में हम निकलते हैं जस्ट होटल से, फ्रेंड्स तो अब निकलते हैं यार एयरपोर्ट के लिए, तो मिस दिस रूम मिस गोवा, तो फिर से आज इतना हो गया तो पैसा वसूल, तो चलिए अब निकलते हैं, हाथ में ट्राईपॉड ले लिए तो यहाँ से निकाल दो नीचे नीचे देना पड़ेगा कार्ड, लास्ट है। हम आप रहे हमारे साथ, बहुत मजा आया, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आके रहे इधर, थैंक यू। मैंने इस होटल का एक टूर करवा दिया है, मतलब सर एक मैम मिलके आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे होटल का, पूरा ब्लॉग है इस होटल का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, तो वो ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा, तो जरूर देखें। फ्रेंड्स ये सोलो ट्रैवल था, मजा एक्सपीरियंस यार लाजवाब, तो अगली बार देखेंगे फ्रेंड्स वगैरह के साथ आएंगे, तो हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो बने रहिए ब्लॉग। तो एयरपोर्ट जाते जाते दोस्तों जो रास्ते में मिलूंगा मैं वो दिखाते चलूँगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लावर्स का दुकान है, बहुत सारा बुके हैं यहाँ पे, तो शॉप के ओनर है भैया, आपका नाम? मेरा नाम तपन बसुली है, तो पंजीम बस स्टैंड है, इसमें बहुत फूल बिकता है इसलिए बहुत सारे बना रहा हूँ, बहुत सारे फ्लावर। ये ऐसा कुछ अभी जनरली मतलब अभी जितना बिकता है उससे कितना, मतलब अभी 100 बिक जाते हैं तो विदाउट सीम कितना बिकता है? विदाउट से ऐसा 25-30 बिकता है अभी, 100 बिकता है। जैसे बुके का एक प्राइस, जैसे ये वाला का बुके कितने का है? ये बुके देखिए, ये बुके 250 का, 250 ओके, ये बुके है 500 का, ये है 750 का, 750 यस ओके। इतना फूल चाहिए सब मिलता है, शादी का गार्लैंड भी बनाता है, रेत भी बनाता है, सब बनाते हैं। तो देखे थे भैया कि सामने बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, तो इसलिए मैं इनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ, फेमस चीज़ें मैं घुमाऊँगा आपको। 1:27, तो फ्लाइट मुझे 5:30 एयरपोर्ट पहुँचना है, तो अभी टाइम है, तो मैंने कुछ सोचा तो देखिए सक्सेसफुल हो जाए। बस से निकल गए हैं वास्को के लिए, तो वास्को में कुछ देखते रहे हैं घूमने के लिए, तो यार मैं ये बोलूँगा कैब बुक करके तो ज़्यादा महंगा पड़ता, लेकिन बस से सिर्फ 30 रुपीज़ में वास्को छोड़ देंगे हमको। ट्रैवल करना है तो बाइक से भी जा सकते हो, बाइक भी बहुत सस्ता होता है, लेकिन मैं बस से जा रहा हूँ, तो सही है बस में बस। यो फ्रेंड्स वेलकम, तो इसी प्लान का बात कर रहे थे हम, तो एक और बीच पर सोचे जाते जाते घूम लेते हैं, फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम मेरा 7 बजे है, तो अभी तो 3 बजे हैं, तो मैं 1 घंटा यहाँ से घूम लेता हूँ, फिर यहाँ से 1 घंटे की दूर पे एयरपोर्ट है, तो कम से कम 1 घंटा यहाँ शूट कर ही लेते हैं। तो देखिए यार यहाँ से ये यह है बायना बीच, तो दिखाते हैं आपको यहाँ भी,
तो कुल मिला के मैंने कितना बीच घूम लिया, मीरामार बीच घूमे थे ब्लॉग में देखा होगा आपने, फिर उसके बाद बागा बीच गए, दो बीच, ये तीसरा बीच है। तो ये ना देखो गोवा फुल ऑफ बीचेस है यार, जितना बीच घूमोगे सब जगह एक ही बात है। मैं जितना ट्राई हो सका, जितने में गोवा चीज़ था मैंने सब चीज़ दिखा चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप सारे वीडियोस पसंद कर रहे होंगे मेरे, तो पूरा सीरीज़ बना हुआ है। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, गोवा का पूरा एकदम ट्रैवल ब्लॉग अच्छी तरीके से सीरीज़ बन चुका है, तो बने रहिए, इंजॉय बागा बीच विथ मी ऑसम अश्विन। ये पानी में तो भीड़ ज़्यादा, जिस एयरपोर्ट जाना है इंडिया की दिक्कत है, तो सब बीचेस यार एक जैसे ही होते हैं, बस कहीं पे डेकोरेटेड ज़्यादा होता है, लेकिन मज़ा हर एक बीच पे उतना ही आता है यार, मैं यही बोलूँगा। तो ये देखिए एयरपोर्ट, तो यार ये गोवा एंजॉय के लिए ही बना होता है यार, देख सकते यहाँ पे एक फैमिली है जिसने एक भैया को यहाँ पे आए बोलिए तो यार इनको पूरा कवर कर दिएगा, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। मम्मी पार्ट टू लग रहा है, ये आप सब लोगों ने मिल के किया सही है। फोनी काट ले, कैसा लग रहा है आपको भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसी में रहोगे? हाँ। हाथ पैर ऐसा लग रहा है पूरा बंधा हुआ है? कोल्ड कोल्ड लग रहा है। कोल्ड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहोगे? आप चाहोगे ताली, क्लैपिंग क्लैपिंग, गजब पूरा बाल निकल गया भैया। यो सैंडमैन, अच्छा आप थे सैंडमैन, ये थोड़ी पहचाने में दिक्कत हो गया, मिट्टी से पूरा कवर था। तो देख रहे होंगे यार फुल इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे गोवा में लोग हॉलीडे मनाने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ पे सब लोग, यही मंथ है मतलब कि हॉलीडे मनाने का, यही सीज़न है क्रिसमस को लेके, न्यू ईयर को लेके बहुत सारे लोग आते हैं, तो फुल फैमिली इंजॉयमेंट, सब तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, तो बने रहिए ब्लॉग में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं आपको। का वेट कर रहा था ये वाला बीच पे, मस्त लेट के मस्त नारियल पानी के साथ जो मूवी में एंजॉय करते हैं, तो वही वाला। तो ये यहाँ का जो ये सब सन बेड लगा हुआ है बेड, तो इसको ये मैनेज करते हैं, तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए। ऐसा ये बीच ना अभी बहुत प्रॉपर हो गया है, एक घंटे का कितना चार्ज करते हैं? 100 रुपये लेते हैं हम लोग। 80-100 रुपये, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब क्या है, किसी का सामान का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, लेना पड़ता है क्या है, अभी ये टूरिस्ट पुल, तो अभी हम कौन सा दूसरा गांव गया तो हमको वो लोग संभालेगा, इसके लिए हम संभालना, हमको भी हमारा भी गरज है, अतिथि देव, किसी का कुछ होना नहीं चाहिए, इसे सबका अच्छा होना चाहिए, मैं वो उतना ही बोलना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। मेरा भरोसे की ना, लोग आते हैं ट्रस्ट करके ऐसे करके, इसके लिए लोग बहुत आते हैं ना, हम लोग इतना बात अच्छा रखते हैं, अच्छा बात करते हैं सब, लोग अच्छा रहते हैं हमारे, देखो सन बेड है यहाँ और सॉफ्ट ड्रिंक है, पानी है, बस और कुछ नहीं। मोबाइल भी यार मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे हमेशा ही लगभग भीड़ रहता है, देख सकते हैं सब लोग, तो शाम का व्यू दिखा होगा आपको, अभी का भी दिख गया, तो यार हवा तो यार मस्त होता है, यहाँ से बैठे रहो यहीं पे बस, और क्या। फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं, देख रहे होंगे लगातार, अभी दोपहर में भी 3:30 में, शाम में तो और भीड़ होगा, तो सब बीच का यही कहानी है, पीछे से सनलाइट आ रहा है, इधर से देखिएगा। तो अब चलते हैं यार एयरपोर्ट के लिए, तो जगह पानी में नहीं गए क्योंकि जीन्स वगैरह फिर भीग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो यार पीछे का सीन वगैरह देख सकते हैं यार, बहुत बहुत ज़्यादा सही है, बीच का सीन तो हर जगह के ही है, तो बीच पर मतलब इतना धूप है फिर भी इतना कूलिंग हवा आ रहा है यार, मतलब क्या बताओ, बीच पे तो यार
अनोखा अनुभव, अनोखा रहा। तो बने रहिए ब्लॉग में, और भी अच्छे अच्छे ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ पूरा ब्लॉग। फोटो लेने के लिए कोई है नहीं, तो मेरा ट्राईपॉड और मेरा पावर बैंक इस सफ़र का साथ ही रहा मेरा। तो अब निकलते हैं जस्ट एयरपोर्ट के लिए, तो बने रहिए ब्लॉग में। बच्चे फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं बायना बीच पे एकदम। तो तुम लोग यहाँ डेली खेलते हो? हाँ, मजा आता है। मजा आता है, हर रोज खेलते हैं। हर रोज खेलते हो, बहुत अच्छा है। बायना बीच के सामने खेल रहे हो, और क्या चाहिए, है ना? हाँ। तो खेलो, एंजॉय। तो ये बायना बीच के सामने ही समर सैंडी नाम से रेस्टोरेंट है। तो यहाँ भी कुछ खा लेते हैं, घूमते घूमते भूख लग गया, फिर खा के निकलेंगे यहाँ। वैसे हम वेज लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा यहाँ कुछ खास है नहीं, तो मेनली नॉन वेज वगैरह ही है। तो अभी मशरूम चिली ऑर्डर किए हैं। खाना वगैरह आ गया है, और यार एक मेन दिक्कत हो गया मेरे साथ, स्टोरेज फुल हो चुका है, देख सकते हैं आप ऊपर 127.2 GB आउट ऑफ 128 GB। तो यार मुझे ना चाहते हुए भी ब्लॉग को एंड करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कुछ डिलीट वीट मार के कुछ स्पेस खाली करते हैं, अब यहाँ से फिर दिल्ली जाने का ब्लॉग मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ ब्लॉग कैसा लगा। तो बने रहिए, मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत जरूरी है ये। तो बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।